आए बच्चे कट्ठे पूरा मक्का जमा या रस्सा लटकदा पजा बंदे जड़े हो नेजे लैके खड़े है जैसे रस्सा गल्ट पाया पजा ने बिचों दी लगा देना नेजे सब मंदर आप देख रहे आखिर से पूछा उन्होंने देखो बैब तेरी कोई खास ए मोहब्बत कराउंदी है वरना कौन आदमी है कि सुई नहीं मैं चबा सकता। और हजरत उमर अजीम के जमाने एक शख्स बाद च मुसलमान हो गया साहबी जी आपने वेख्या कि कई बार बेहोश होकर डिग गए तो पूछया भी यार तेनों को मिर्गी का दौरा पैंदा तू बीमार है उन्होंने आख्या हजरत कोई गल नहीं मैं उन्हों तमाशाइया चो हाँ जिन्होंने खुबैब न फांसी चढ़द वेख्या जो 50 नेदे उहदे विचों दी लंघे ना वह मंदिर अजे मेरे सामने है तो मैं बेहोश आ गया वो गुजरी यार एडा हौस उस रस्से वेख के आपने पढ़िया लस तो बारी ही ना उत्तर मुसलमान अलाई शिकन काना फिल्ला हिम्मत जदों मैं अल्लाह के रस्ते मारिया जा रहा कोई परवाह नहीं तुम मैं मार के जिस परने पासे परने मर्जी सट दौ मेरी लाश ना जो मर्जी कर दे रहे हो वजाल कफी जात लाह वही शाह युबारक अलाओ सारे छल मत ये सब कुछ मैनू तुम सिर्फ इस जुर्म की सजा दे रहे जब मैं अल्लाह को मरना और मैं कतल नहीं किया जना नहीं कोई चोरी डाका नहीं तो जो अल्लाह की रजा ही कर रहे थे तो मैं अपने रब की रहमत तो उम्मीद है वे मेरे टुकड़े भी बिखर गए ना तो उन्होंने टुकड़िया से भी रब दहमत नादल हो जानी पूछया फिर खुबैब दस तेरी कोई तमन्ना कोई खास आखिरी वक्त है तेरा जो तेरा शौक है पूरा कर दीए उन्हें आख्या होर कोई शौक नहीं ना तो कोई चाहना मैं मैनू दो रक्त नमाज पढ़ लें दो रक्त नमाज पढ़ी तो बड़ी छेटी मुकई तो बाद आख्या रब की कसम अगर इस गल का डरना होंदा तो तुम ये गल बना लेनी भी हम रसूला दे मन अपनी उम्र लंबी कर रही ना नमाज लंबी करी जाता तद मैं छेटी मुकाई वरना अज की नमाज वर्गा मजा कभी भी नहीं आया जान दी हुई उसी की थी हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ तद रूमिया दे अज मुहब्बत तलखा शीरी सवाल मुहब्बत एक ऐसी चुटकी है कि जेदे नाल कड़वियां शायां भी मिठियां हो जाए अज मुहब्बत तलखा शीरी सवाल बिल्कुल बड़ी बड़ी मुश्किल आसान हो जाए ये अल्लाह पाक आंदा ते अल्लाह दा रसूल आंदा भाई अगर तुम सारा कुछ ही पढ़ जाओ लामे बन जाओ दानश्वर बन जाओ लैक्चर देंदे फिरो मुहब्बत नहीं नसीब हुई ना तुम खुदा दे बंदे बन सकते जे ना रसूल दे उम्मती बन सकते मुहब्बत ला दो ए तो बगैर चारा कोई नहीं ये जड़ बुनियाद जान रमज़ कुरान रूहे ईमान जाने दी हस्त हुब्बे रहमतुल्लाह इस्लाम की जान दीन का खुलासा कुरान का नचोड़ फिर रसूला की मुहब्बत अल्लाह ने ऐसे बयान किए नबी अलैहिस्सलाम दे कि पहचानो तो सही तुहाडी कीड़ी नेमत मैं उतार दी इस तो वड्डा इनाम मैं इस कायनात कीता ही कोई नहीं कि मुहम्मद रसूला जैसा बंदा भेजता तुहाडी हिदायत जिन्हें पहचान लिया वेख लिया आप दे औसाफ वेखे आप दी खूबियां वेखियां सुनी सुनाई गल नहीं कोल बह के खुशबू सूंघी उन्हें आख्या यार ये तो जान नहीं कुरबान करनी होर कहते कर तन मन धन सब तो ज पर वारू वार दऊँ कौन है पिया है अल्लाह के रसूल सारे दो जहान भी होन तद मौला अंदर दासा बरेलवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मौला है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तेरे नाम पर करूँ जहाँ फिदा ना ये जहाँ फकत दो जहाँ फिदा नहीं इससे भी मेरा जी बड़ा करूँ क्या करोड़ों जहान है अल्लाह के रसूल भी समझ आ जाए तो मत सीधे राना पै जाए गल्लां रह गई बदकिस्मती ये बे साडे च ही लोग उठ खड़े जिहड़े कहण लग पए पैगंबर की सी अपने वक्त एक इंसान सी अच्छा लीडर सी जमाना अगे निकल गया यार वो कवानीन हुण जिहड़े ना आउट ऑफ डेट हो गए नवे जमाने दे तकाज़े बेदीन कुफर फैलाउण लग पए कि जिहड़ा क़यामत तक दा रहिबर हादी सी उहदे दीन नूं मक्के मदीने तक ही बंद करता भी उत्थे ही सी हुण कोई ज़रूरत अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलाम दी मुहब्बत तो इमाम फरमाउंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ नाज़िल कीता उहदे च इह फरमाया व मैं यो ते अल्लाह व रसूल जिहड़ा भी बंदा किसी जमाने का किसी मुल्क का किसी कौम का अल्लाह का हुक्म मनूगा तो रसूल का हुक्म मनूगा जो दसिया उन्होंने वो इताअत करूगा इनाम की मिलूगा फौलाए कमलदीना नाम अल्लाह अलैहिम असी उन्होंने रला देंगे उन्होंने नाल जिन्हां ते अल्लाह ने इनाम की उन्हों का साथ नसीब होगा जन्नत के अंदर कौन आ मेन नबीना व सिद्दीकीना व सौला व साले हाँ नबी होणगे सिद्दीक होणगे शहीद होणगे साले हो आदम अलैहि सलाम तो लैके नेकां दा मजमा हाँ दुनिया के चुने हुए लोग जन्नत च होणगे ये उन्हों का साथी होगा इस तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद नमाज पढ़ रहे थे तहज्जुद की तत्ता याद ते बैठे दुआ कर रहे थे रसूला ने सुन ली थोड़ी जी उच्ची आवाज़ ना सी
तो आपने आख्या कौन है जरा इन जाके बिशारत दे कहला ने जी सुन ली तो मेरा साथ इन नसीब हो गया। हज़रत अबू बकर जड़े से पहला दौड़े तो उन्हें जाके आख्या अल्लाह दे बंदिया तेरा बेड़ा पार हो गया तेरी दुआ सुनेंगी। बाद हज़रत उमर समझा भी इन अजे किसी नहीं दस्या वो गया उन्हें आख्या नहीं खबर मिल चुकी कहगा यार अबू बकर ने मैंने वजह नहीं देना दुआ की कर रहा अल्लाह मैं नहीं ऐसा लोग ईमान अल्लाह यार तक ब नईम अल्लाह जन फत मुराफकत नबी कफे जन्नत अल-खुल्द अल्लाह मेरा तेरे को सवाल है मैंने चीज लिख लो याद करके अपनी नमाज़ें पढ़ो कि एक तो मैं ऐसा ईमान दे जरा मुड़के ना हट जाए मुर्तद ना हो जावा ऐसा ईमान नसीब कर दे मुड़ के दिल चो ना निकले अल्लाह मैं नहीं ऐसा लोग ईमान अल्लाह यार तद व नईम अल्लाह जन फत ऐसी नियमत मंगना जी मुड़के फना हो जन्नत व मुराफकत नबी का फी जन्नत अल-खुल्द तेरे नबी का साथ चाहना जन्नत अल-खुल्द और मैं थोड़ी हुजूर के कदमों बैठे हुए उसे खादमा से आप दे कदम बोसा दे रही है कोई वड्डी साथ है कि अल्लाह फरमाउंदा अल्लाह रसूल जी मनो कह मैं अपने वो लोग जिन्हां ते मैं इनाम किया नबी सिद्दीक शहीद उन्हां नाल रा दूंगा उत्थे तुसी होगे औड़े फिर फरमाया वहासना औलाइका रफीका जिन्हों योजा साथी मिल जाएंगे होर किहोजा साथ चाहिए किटी बाबर कि माफल जाऊगा इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू वेख रहा इधर मूसा अलैहिस्सलाम है इधर मुहम्मद रसूलल्लाह किधरे सहाबा किराम है किधरे औलिया है किराम रौनक ऐसी बदम फुल खिड़े वध तो वध उन्होंने खुशबुआ वहा सोना औला है कर ठीक बहुत खूब और अच्छे साथी होंगे ते ज़ालिकल फज़्लु मिन अल्लाह ए होना रब की मेहरबानी नहीं है तुसी इन्हें जोगे नहीं वकफा बिल्लाह अलीमा मगर अल्लाह जानता चार चो कौन इस काबिलियत कौन नहीं उस इमाम देखते हैं कि सब तो बड़ी बिशारत जी फिर अल्लाह के रसूल अल्लाह सलाम तो आई ना भी तो ज्यादा साहबा अन्ना रसूल अल्लाह सलम सोएन रजुल युहिब्बुल कौम लम्बा या रकबे ऐसे ही बुखारी जी के बहुत सारे हिस्से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खिदमत एक आदमी आया हज़रत अनस बयान कर दे सारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सात हज़ार से ते 6171 नंबर है हदीस का इस बुखारी शरीफ का ते बाब 96 है बाब अलामत हुब्बे फिल्ला और एक किताब किताब अदब चल रही हज़रत अनस फरमाउंदे आदमी ने पूछा नबी अलैहिस्सलाम नूं मत सात हज़ार रसूल अल्लाह के रसूल क़यामत कदम आनी है काला मा दत्तला अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू क़यामत लई की सामान तैयार की हूँ नू छड कोई पले भी बने जरा उत्थे विखा सकें तो जिस पारों तू निजात पावे काल मा आदतुला मिन कसीरे सलात वरा सौमे वरा सलक अल्लाह ने जरा कुरान च आख्या भी फजल नाली गल होनी है उस बंदे भी आख्या मैं ना ज़्यादा नमाजा कट्ठिया कर सकिया ना ज़्यादा रोजे ना ज़्यादा मेरे को सदका फर्ज काम ही मैं करना होर नफरी नेकियां दे मेरे को ढेर नहीं वाला किन्नी युहिब्बुल्लाह व रसूलहु एक शाय अल्लाह दे रसूल मेरे को जरूर मौजूद है तो मैं अल्लाह ना बड़ा प्यार रखना तो दे रसूल ना बड़ा प्यार तो हज़रत इमाम इब्ने कसीर फरमाउंदे अगे हज़रत अनस दा बयान भी पढ़ूंगा इन्नी खुशी मुसलमानों नू कलमा पढ़न तो बाद कभी भी नहीं हुई जिन्ना हजूर दे इरशाद तो हुई जदों उसे गल सुनाई मैं हर लिहाज ना खाली हाँ मगर अल्लाह रसूल की मुहब्बत रखना कालान महबता फरमाया जिदे नाल प्यार करदा उहदे नाल ही होवेगा अगर मुहब्बत है ना तो कोई गल नहीं नफरी नेकियां घट भी गई मेरा रब दे फजल ना पार हो अल्लाह दे रसूल ना होवेगा उस फिर हज़रत अनस रज़ी नूं फरमाउंदे इमाम इब्ने कसीर नकल करदे कि कदी इन्नी खुशी नहीं मुसलमानों नूं होई जिन्नी इस गल च होई हैं कारानस फरमाया फर अल मुस्लिम फराम बेहद रहदी जिन्नी इस हदीस से खुशी मुसलमाना मनवाई ना इन्नी कभी खुशी नहीं आई यार नेकियां तो बाकी असं कि कर सकते हैं फर्ज ही पूरे हो जाने बड़ी गल है मगर उस बंदे खुदा दे ने जो आख्या अल्लाह के रसूल ना ज़्यादा खैरात है ना रोज़े है ना नमाजा अल्लाह रसूल की मुहब्बत तो आपने फरमाया फिर तू अल्लाह के रसूल के नाल ही होवेगा इन्नी लाहेब रसूला सरदम बाबा बकर वा उमर जिला मारजुअन अल्लाह बसोनी माँ वेल माँ अमल कामल हूँ हज़रत अनस अपना फरमाते हैं कि मैं यार ना रसूला जिन्हें अमल कर सकिया ना हज़रत अबू बकर उमर जिन्हें मेरे को होया मगर मेरे दिल अल्लाह के रसूल ना हज़रत अबू बकर हज़रत उमर ना मुहब्बत है तो मैनू हूँ अल्लाह ताला की रहमत उम्मीद है कि अल्लाह ताला मैं उन्होंने नाल ही उठाऊगा बिल्कुल इंशाअल्लाह उठाऊगा इस तो यह इनाम जिदा अल्लाह पाक ने जिक्र किया कि मेरे फजल ना ये जे शायद नसीब होगी ना बड़ी वड्डी गल जे इस तो वड्डा इनाम कोई नहीं तुसी इहो जिहे लोगों के संग होगे नेकियां थोड़ियां से लम्मा या लख बेन अपने अमल ना तुसी उन्हां तक नहीं पहुँच सके
मगर रब ने चुकिया तो उन्होंने रात